वेरी गुड आफ्टरनून डी एस फिर वेलकम टू अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन दिस इज यू मैंट सौरव सिंह एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी जबरदस्त चल रही है इस बात के साथ इस नए समय पर बात करने वाले हम लोग बॉक्स बेस पजल की मतलब कि बॉक्स बेस पजल अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ पजल्स हैं और इसमें जो हमारी आज की कॉन्सेंट्रेशन रहने वाली है वो रहेगी बॉक्स में वेरिएबल को अटैच करके कुछ बातें करेंगे हम लोग ऑफकोर्स थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू आई थी अभी मैं जोग्राफी पढ़ाने लगा था मतलब मैं नहीं पढ़ा रहा था कोई और ही पढ़ा रहा था मैं लाइव आने की कोशिश कर रहा था वहाँ पे कोई और ही लाइव आ रहे थे मतलब कुछ टेक इशू कह सकते हैं इसे आप सो आई होप आई एम विजिबल एंड ऑडिबल नाउ सो दैट वी कैन डिस्कस दिस सेगमेंट ऑफ पजल्स बॉक्स बेस पजल और इसमें वेरिएबल्स ऐड कर रहे हैं हम लोग आज तो वेरिएबल्स ऐड करने का मतलब है अपने आप में कि सवाल का जो लेवल होगा वो बेहतरीन होने वाला है बहुत ही अच्छा सवाल डिस्कस करेंगे अपन आज इसका जो प्रीवियस सेशन था मतलब कि क्लास थर्ड थी आपकी आपकी आई पी एस आई आर बी वाली जो बैच चल रही है इसमें जो क्लास थर्ड थी पजल्स की उसमें हमने बिना वेरिएबल के बॉक्स बेस पजल को डिस्कस किया था आज के इस सेशन में हम प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं पजल के बॉक्स बेस में वेरिएबल को ऐड करके दिस इज क्लास फोर ऑफ पजल्स ठीक है ओके कोई हैक कर लिया था नहीं नहीं कोई हैक नहीं किया था नो हैक द वो बस हमारे हमारे ही टीम के मेंबर थे जो पढ़ा रहे थे चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बार जल्दी से को शेयर कर दीजिए और मैं बात करता हूँ इंस्पायरिंग वर्ड्स का इंस्पायरिंग वर्ड्स में लिखा गया ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ नो वन कैन डू यू डू इट फॉर यू मतलब कि कोई और आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता सिर्फ आप ही बदल सकते हैं इसके लिए करना क्या है मतलब अभी आप एक स्टूडेंट हैं तो उस स्टूडेंट लाइफ से आप निकल के आप चाहो तो अपने आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर कर सकते हो और उसके लिए सिर्फ क्या करना है अपने काम पर जो भी आपका काम है उसको डिसिप्लिन वे में आप काम करते रहें बस इतना ही कहना है ठीक है सो सिंपली विल मूव फॉरवर्ड नाउ एंड विल ट्राई टू टॉक अबाउट द एजेंडा ऑफ द सेसन वॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द सेसन टूडे और उससे पहले मैं एक बार चैंपियन बैच अपने बैच के बारे में बता दूं कि ये बैच आपकी शुरू हो रही है चैंपियन टू पॉइंट ओ मेरी बैच जो है स्टार्ट होने वाली है और ये बैच, बैच स्टार्ट होने वाली है, 17th ऑफ अगस्त से ये बैच आपके अपकमिंग जो भी बैंक एग्जामिनेशन है चाहे वो प्री uh, की बात करें हम मेंस की बात करें मेंस में भी मतलब ये तो बोलूंगा मैं कि uh, जैसे आरआरबी की जो प्री uh, और मेंस है दोनों को कवर कर लेगी क्लर्क की मेन्स को कवर कर लेगी आईबीपीएस पीओ के प्री और मेन्स में भी कहीं कही ना कहीं कुछ लेवल तक जाएगा लेकिन हाँ कुछ और भी एड ऑन करना पड़ेगा उसमें ये तो मैं कहूँगा दूसरी बात जो भी मतलब कह सकते हैं कि प्री से काफी ऊपर लेके चलेंगे हम लोग और मेन्स में रहते हैं मतलब ये ऑफ कोर्स ऑफिसियली ये प्री का बैच है बट मैं अपने बैचेज में हमेशा प्री का बैच हो या फिर आ, जो भी मेरा बैच होता है इंडिविजुअल खासतौर पर उन सभी मैं क्या कोशिश करता हूँ कि उसमें प्री प्लस मेन्स दोनों का डिससन हो जाए ठीक है चलिए और ये बैच की टाइम स्लॉट क्या है ढाई से चार ये बैच चलने वाली है मंडे टू फ्राइडे डेली चलेगी ये बैच और त, इसका जो uh, डेट है वो सेवेंटीन ऑफ तो अगस्त है ठीक है चलिए सो so, uh, इस इस बैच को आप बैंक महापैक में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं इस बैंक महापैक में भी आपको ये बैच नज़र आ जाएगी और बैंक महापैक में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं आप और बैंक महापैक मैं तो हमेशा ये बात कहा करता हूँ स्टूडेंट से यार एक प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर आप तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है वो होता है बैंक महापैक क्योंकि इसमें सब कुछ हम लोग लेके चल रहे होते हैं लाइव क्लासेस भी है वीडियो कोर्सेज भी है टेस्ट सीरीज़ भी है मतलब एक हर एक चीज़ जो एक स्टूडेंट की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है वो हर एक चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है चाहे वो हम पढ़ाई की बात करें हमारे सपोर्ट की फैकल्टीज की सपोर्ट की बात करें

फिलहाल डिस्काउंट के लिए क्या यूज करना है आपको ये कोड इस्तेमाल कर देना है मैक्सिम डिस्काउंट ऑफ दिस of टूर्स एजेंडा तो टूडे एजेंडा इज वेरी क्लियर कि हम लोग आज बॉक्स बेस पज़ल डिस्कस करने वाले हैं उसमें वेरिएबल्स को ऐड करने वाले हैं क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट रहेगा प्री के लिहाज से मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा लेकिन मेन्स के लिहाज से मॉडरेट लेवल का सवाल रहने वाला है ठीक है मूव करते हैं आगे ठीक है चलो सो so, ये आज का पहला सवाल है और सवाल आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध करा दिया गया है एक बार अपने हिसाब से सवाल को सॉल्व करें कोशिश करें सवाल में जल्दी से सवाल पे रिएक्ट करने की और सवाल को सॉल्व करने की सवाल का दोनों ही लैंग्वेज आपके सामने है जो बच्चे हिंदी में सॉल्व करना चाहते हैं उनके लिए हिंदी में उपलब्ध है जो बच्चे इंग्लिश में सॉल्व करना चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश में उपलब्ध है तो आप दोनों में से किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से एक बार और सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए बिकॉज ये बहुत कम व्यूअर्स है मेरे बैच के हिसाब से मेरे मेरे क्लास में जितने बच्चे व्यूअर्स होगा करते हैं उन हिसाब से फिलहाल व्यूअर्स नहीं है तो मुझे थोड़ा सा मजा कम आ रहा है थोड़ा सा कर दो यार इस चीज़ को है ना हाँ चलो मैं हिंदी मैं अपने आप को हटाता हूँ ताकि आपको हिंदी वाला वर्जन दिखाई दे पाए आई होप आप सभी ने सवाल सॉल्व कर लिया होगा अगर लग, लगाना हुआ तो लगा चुके होंगे आपने सवाल को अभी तक और देखो आ, मैं एक बात हमेशा ऐड करता हूँ पजल्स के मामले में पजल्स और अरेंजमेंट के बिना बैंक का एग्जाम क्वालिफाई करना नामुमकिन सा बात है और ये बात बच्चों को भी मालूम है कि हाँ यार पजल्स तो खैर आना ही चाहिए कुछ भी हो जाए पजल्स मस्ट बी वेरी मच स्मूथ वी मस्ट बी वेरी मच स्मूथ इन पजल्स ये सवाल मैंने होमवर्क में दिया था एक्जैक्टली बिल्कुल सही बोल रही हैं प्रिया जैन कि यह सवाल होमवर्क था ऑफकोर्स ये होमवर्क क्वेश्चन था मैं लिखना भूल गया स वॉज यूर होमवर्क क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस सेशन सो यह सवाल प्रीवियस सेशन uh, का होमवर्क क्वेश्चन था जो दस बजे हमारी सेशन थी उसका होमवर्क क्वेश्चन था तो प्रोजेक्शन के बारे में बताइए आप सभी लोग जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया सवाल को कितने प्रोजेक्शन आपने खर्च किए इस सवाल में कितने प्रोजेक्शन क्या एक ही प्रोजेक्शन में सॉल्व हो गया या दो प्रोजेक्शन लगा या तीन लगा या चार लगा क्या किया आपने इस सवाल में चलें स्टार्ट करें सवाल को सॉल्व करना मैं अपने आप को प्रकट कर रहा हूं और सवाल को सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं चलो लेट्स टॉक अबाउट सर एक बार सुनो ना बोलो ना <laughs> नहीं नहीं अभी नहीं रुक जाओ सब बोलूँगा <laughs> चलो मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ मतलब सवाल पे आ रहा हूँ और अपने आप को प्रकट कर ले रहा हूँ और सवाल को शुरू कर रहा हूँ सॉल्व करना सो so, मैंने हिंदी वाला वर्जन गायब कर दिया है और सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं बोल रहा है कि नाइन बॉक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आर प्लेस्ड वन अबव द अदर वर्टिकली नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर पहला शुरुआती इंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत साफ साफ कह रहा है भाई कि नौ बक्से हैं वर्टिकली रखे गए हैं एक ही क्रम में नहीं रखे गए हैं पहला क्लू कहता है बहुत साफ साफ कि ओनली थ्री बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बी एंड एफ बी और एफ के बीच तीन बॉक्स हैं और उसमें कंटिन्यूएशन है आगे में और विच का इस्तेमाल किया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कह रहा है कि भाई विच इज नॉट अबव

एफ विच इज नॉट एबव बी अगर ये पॉइंट नहीं दिया गया होता लास्ट का पॉइंट अगर नहीं दिया गया, मैं बोलता हूँ प्रोजेक्शन कैसे सोचना शुरू करते हैं हम लोग तो अगर मान लो एफ के बाद विच इज नॉट एबव बॉक्स बी नहीं दिया होता तो इस बात का हम दो प्रोजेक्शन सोच रहे होते कि एक बार बी ऊपर एफ नीचे एक बार एफ ऊपर बी नीचे ऐसा करना पड़ जाता हम लोगों को लेकिन फिलहाल चूंकि उसने यहां पे कह रखा है कि एफ विच इज Not above B मतलब कि F जो है वो B के ऊपर नहीं है नाउ वी आर वेरी मच श्योर दैट F विल बी बिलो दिस B एंड नाउ उन दोनों के बीच में तीन गैप भी होंगे ये तीनों बात दोनों बात बहुत क्लियर है ठीक है चलिए सो नाउ अब देखो पजल्स और अरेंजमेंट का एक बहुत ही सिंपल फंडा होता है जो भी कनेक्शंस हैं वो आपको बिल्ड करने पड़ेंगे मतलब कि ऑलवेज यू नीड टू ट्राई टू बिल्ड द कनेक्शंस आपके पास बी है आपके पास एफ है तो जस्ट ट्राई आउट टू रीड दो जो कि बी या एफ से कनेक्टेड होंगे ये बात दिमाग में बिल्कुल घुमा के रखना है है ना अब कह रहा है कि एच इज प्लेस्ड थ्री प्लेसेस बिलो सी एच इज प्लेस थ्री प्लेसेस बिलो सी मतलब कोई कनेक्शन है क्या नहीं है छोड़ दीजिए बट नॉट बट केपटेटली एफ ऑफ ई एक बात समझिएगा इस बात को क्या इस क्रू को हम यहां तो कनेक्ट नहीं कर सकते लेकिन इस क्रू को हम कहीं ना कहीं प्लॉट तो कर सकते हैं ना तो हमने काम किया यहां पर प्लॉट कर लिया इसे बोला एच इज प्लेस्ड बिलो सी एच इज प्लेस थ्री प्लेस बिलो सी बट केप्ड इमीटली अब वी बट किसके लिए होगा भाई एंड बट एंड वाइल्ड किसके लिए होता है फर्स्ट एलिमेंट के लिए होता है मतलब कि यहाँ पे एच इज केप्ड इमेटली अब इतना तुम कर ही सकते हैं कि एच जो है ना वो ई e के ठीक ऊपर रखा हुआ है एच जो है वो ई e के ठीक ऊपर रखा हुआ है इतना बात हम कह सकते हैं और एच इज प्लेस्ड थ्री प्लेसेस बिलो थ्री प्लेसेस का मतलब क्या होता है दो जगह छोड़ के ध्यान रखिएगा यहां बच्चा फिर से कंफ्यूज करता है थ्री प्लेस का मतलब क्या है कि दो जगह छोड़ के बोला कि एच इज प्लेस्ड थ्री प्लेसेस बिलो सी That that we'll C C हम तीन जगह गैप करके हम सी को प्लेस नहीं करेंगे इस बात का ध्यान रखिएगा प्लीज हम बोला है जो एच है वो सी के तीन स्थान नीचे है मतलब बीच में दो लोग रखेंगे इस बात को कहीं बादल बना के लिख लेना अदरवाइज बाद में तकलीफ हो सकती है ठीक है सो so, ये प्लॉट हमारे पास एक अलग से प्लॉट हमारा तैयार हुआ है ये इस क्लू का करदानी है मतलब जो हमने क्लू पढ़ा ना एच से लेके ई e तक वाला इस क्लू का जो हमारे पास निचोड़ था जो क्लू ने कहा है वो यहां पे हमने इसको ड्रॉ करके रख लिया है इस प्लॉट को जो हम इसको हमने भी सर्कल किया है इसको क्या करेंगे इसको हम उस मे मेजर मे मे मेजर जो प्लॉट है इस पर आगे प्लॉट करने की बात कोशिश करेंगे इसमें एडजस्ट करने की बात करेंगे फिलहाल आगे बढ़ते हैं बुरा नंबर ऑफ बॉक्स प्लेस बिटवीन डी एंड जी इज सेम एज नंबर ऑफ नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन डी जी एंड एफ अब इस क्लू का फिर से हमारे पास कोई इस्तेमाल नहीं है आगे बढ़ते हैं बी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो आई विच इज नॉट और टॉप जुड़ा हुआ कोई है इंपॉर्टेंट uh, 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 so, exactly तो बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है हमारे पास कोई बिटवीन डी एनसी डी और सी बीच में तीन बॉक्सेस हम कहा कितने जगह खर्च हुए एक दो तीन चार पांच हमारे पास बस तीन का गैप था बी और एफ हमारे पास है, पांच जगह हमने खर्च कर लिया है एक बात समझिएगा क्या हम अगर सी और यहाँ पे गैप अगर हम मान लो एच और एच और ई e को यहाँ प्लेस करते हैं तो क्या दो जगह छोड़ के हमारे पास सी रखने का जगह है क्या बिल्कुल है वहाँ हम प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे सी को लेकिन उसने कहा एक बात की बी के बारे में बोला उसने जी एंड एफ जी एंड एच आर प्लेस्ड वन ऑफ द प्लेस बिलो बी G, जो बी है ना उसके नीचे ही कही कहीं ना कहीं जी और एच रहने वाला है एक उसने ये बात कह दिया दूसरी बात एक और उसने कही है कि भाई जो यहाँ हम हमारे पास बी है बी इज केप्ट इमेटली बिलो आई और बी जो है ना वो ठीक आई के जस्ट नीचे है बी इज़ केप्ट इमेटली बिलो आई और इस प्लेस को हम इस चीज़ को अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारे पास क्या है ये जो प्लॉट है ना इस प्लॉट को हम यहाँ पे फिक्स नहीं कर पाएंगे कहाँ पे भाई हमारे पास इस प्लॉट को हम यहाँ पे एच नहीं प्लेस कर सकते यहाँ पे हम ई e प्लेस नहीं कर सकते ख़त्म हो गया अब यहाँ पे ये ये सिचुएशन ही कैंसिल हो चुका है कि हम यहाँ पे ई को प्लेस कर पाएँ अब देखो यहाँ पे बस खे, खेल खेल खत्म हो गया सवाल का यहाँ पे हमारे पास एच प्लेस करेंगे और यहाँ पे ई e प्लेस करेंगे तो होगा क्या कि दो जगह छोड़ के जहाँ पे सी प्लेस करना था वहाँ पे ऑलरेडी आई है इसका मतलब हमारे पास खेल खत्म हो चुका है इस इसमें हमारे पास एच और ई e को लेकर हम यहाँ नहीं लेके जा सकते अब एच और ई e को लेकर हम कहाँ आ सकते हैं तो नीचे लेके आ सकते हैं देखिए कितने प्लेस हमारे पास खर्च हो चुके हैं एक दो तीन चार पाँच छः हमारे पास खर्च हो चुके हैं अगर मान लो हम यहाँ पे एच प्लेस करते हैं और यहां पे ई प्लेस करते हैं तो क्या तकलीफ है हम एर एच ऑर ई को यहाँ प्लेस करते हैं तो आठ प्लेस हमारे पास बुक हो चुके हैं हमारे पास अभी हमारे पास एक प्लेस हम ऊपर बढ़ा सकते हैं या तो नीचे बढ़ा सकते हैं आठ में एक नौ प्लेस हमारे पास टोटल चाहिए सवाल खत्म हो चुका है हमारे पास बोलता है अब एक क्लू जो हमने बोला था वहां पे कि भाई ये वाला क्लू नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस बिटवीन डी एंड जी इज सेम एज जी एंड एफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डी और जी के बीच में उतने ही बॉक्सेस हैं जितने की आपके जी uh, और एफ के बीच में है दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट मतलब जी कहीं ना कहीं हमारे पास एफ यहाँ है तो जी यहाँ प्लेस करें क्या देखो तो जी और एफ में कितना गैप हुआ एक ही गैप हुआ पॉसिबल नहीं है चीज़ दैट मीन्स कि जी को हम कहाँ प्लेस कर देंगे जी को हम यहाँ प्लेस करेंगे कर कहाँ पे? जस्ट बी के एक नीचे अगर हम जी को यहाँ प्लेस करते हैं तो जी और एफ के बीच में दो गैप और जी के साथ आप हिसाब से डी को यहाँ प्लेस करते हैं तो डी और डी में हमारे पास दो गैप बात खत्म हो गया अब बचा हुआ एलिमेंट कौन हमारे पास है कह रहा है कि भाई देखो वनली थ्री बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन डी एंड सी डी और सी के बीच में हमारे पास कितने बॉक्स हैं सिर्फ तीन बॉक्सेस हैं हमारे पास डी यहाँ पे है तो सी अल्टीमेटली यहाँ ड्रॉ करेंगे एक एलिमेंट कोई बचा हुआ है उसका नाम क्या है ए हम ये को यहाँ प्लॉट करेंगे और आंसर हमारे सामने होगा मतलब ये हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि हमें इस क्लू को दो अलग हमने पहले क्लू को स्टार्ट किया बी और एच बी और एफ से स्टार्ट किया उसके बाद हमने हमारे पास एक ये चीज जो थी हमने क्लू एक पढ़ा तो हमारे पास ये आउटपुट निकल के आया इस क्लू को हमने अलग से रखा और फिर उस क्लू पे हम जाके एडजस्ट कर दिया उस चीज को एडजस्ट करने में हमने दो प्रोजेक्शन निकल के आया कि भाई एक बार हम जो एफ था उसके ऊपर ले जाके रख सकते हैं एच और ई e को हमने रखा तो आगे सी रखने का जगह नहीं दिखाई दिया इसका मतलब समझ में आ गया कि भाई हमारे पास छह ऑलरेडी एलिमेंट थे वहां पर तो एच और ई को नीचे रखेंगे अगर हम एफ के तो छे दो आठ हो जाएंगे और एक कहीं भी हम एक एलिमेंट या तो ई के नीचे प्लेस कर देंगे नौ

टू डिफिकल्ट वी कैन से अब विद डिफिकल्ट मतलब क्लर्कियल लेवल के हिसाब से मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेके जा सकते हैं इसे और अगर हम प्री के लिहाज से बात करें पीओ में तो हम बोलेंगे इट्स अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन फॉर द प्री एग्जामिनेशन ठीक है सो so, कैटेगराइजेशन भी बहुत जरूरी है कि आप सवाल को पढ़ें और समझ जाए कि हाँ यार या ये सवाल तो प्री के इस लेवल पर है या फिर यह सवाल मींस के इस लेवल पर है ठीक है चलिए मूव करते हैं अगला सवाल मैं देता हूँ सवाल कुछ लोग कहते हैं सर सवाल हिंदी में नहीं था क्या बिल्कुल सवाल हिंदी में भी था यार अभी आप शायद लेट से ज्वाइन किए हो सवाल हिंदी में भी दिया हुआ था मैं जब डिस्कस करने लगता हूँ तो वो जहाँ पे हिंदी वाला वर्जन दिया करता हूँ वहाँ पर अपने आप को क्या करता हूँ वहाँ पर ब्लैंक बेस कर लेता हूँ ताकि मैं सॉल्व कर पाऊँ सवाल को राइट right? मूव करते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल फिर से बहुत ही लाजवाब सवाल है उसको डिस्कस कीजिए आप उसको सॉल्व कीजिए पहले एक बार सवाल हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में मौजूद है आपके पास सवाल को सॉल्व कीजिए मैं अपने आपको यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि आप सवाल को सॉल्व कर पाएँ ठीक है चलो सो so, लेट्स talk अबाउट द solution ऑफ दिस क्वेश्चन आई एम जस्ट हाइडिंग so सेल्फ सो दैट यू पीपल कैन आंसर द क्वेश्चन नवजोत कह रहे हैं सर आपके जीरो टू तो हीरो बैच ने रीजनिंग स्ट्रांग कर दी है ये सब क्वेश्चन आसान लगते हैं वेरी गुड यही स्पिरिट होना चाहिए स्टूडेंट्स में हाँ भाई सर अब मस्त आ रहा है सर मतलब तो कोई दिक्कत नहीं है आरआरबी एग्जाम तक अनुराग तिवारी देखो मेरा प्लान यही है कि हम आरआरबी uh, की जो परीक्षा होने वाली है उससे पहले क्योंकि आरआरबी की परीक्षा में जो प्री का सिलेबस है वहां तक तो एक महीने में कवर कर, कर ही लेंगे आराम से कोई दिक्कत नहीं है शिवानी प्रभात मेरे क्लास का टाइम वैसे तो कल तक मेरा क्लास का टाइम सुबह दस बजे था लेकिन अभी मैं आपको शाम में चार बजे डेली मिला करूँगा और मेरा जी अभी से प्लान बता रहा हूँ क्या प्लान है इस बैच को लेके मेरा अभी मैं कोई ब्रेक नहीं लगाने वाला हूँ अपने सिलेबस में जो सिलेबस लेके ड्राइव कर रहा था मैं आरआरबी को लेके वही ड्राइव करता रहूँगा आरआरबी के मैं तमाम एग्जामिनेशन को कैटर कर रहा हूँ यहाँ पे आपको थन में जरूर दिखाई देगा आई पी एस लेकिन मैं जो सिलेबस बीस लेकर चल रहा हूँ जो लेवल का सवाल रख रहा हूँ प्री मेन सबका रख रहा हूँ मतलब पूरा मिला के लेके चल रहा हूँ सारे एग्जाम को कवर कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ठीक है तो आ, पजल्स के बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मशीन इनपुट ये बहुत दिन से डिमांड आ रही है सर मशीन इनपुट पढ़ा दो प्रॉपरली तीन से चार से पाँच लेक्चर खर्च करके मशीन इनपुट पढ़ेंगे हम लोग तो पजल जैसे ही खत्म होगा हम लोग मशीन स्टार्ट करेंगे इससे पहले हमने डिस्कस किया सिटिंग अरेंजमेंट और एक बार मशीन डिस्कस कर लेंगे फिर हम शायद एल भी डिस्कस कर लें और उसके बाद मैं सिटिंग अरेंजमेंट वो आपका सिलोगिज्म और वाले सेगमेंट लेके चलूँगा तो इस बार मैं पहले बड़े चैप्टर कर रहा हूँ फिर छोटे चैप्टर भी चलूँगा आपको लेकर ये सवाल काफी लाजवाब है मतलब बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपको लगेगा कि सवाल में स्टार्ट कहां से करें यह वाली बात हो सकती है लास्ट लाइन विजिबल नहीं है मैं बिल्कुल उसको हटाता हूं क्या लगा गया ये सब हां सो दिस क्वेश्चन इज लिटरली अमेजिंग क्वेश्चन ओके 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 चलिए अरे सुनो ना भाई <laughs> एक बार शेयर मार दो यार अच्छा लग रहा है क्या ऐसा बताओ तीन सौ कहाँ छः सौ कहाँ सात सौ रहते हो तुम लोग सुबह सुबह और अभी तीन सौ खैर चलो अभी आ जाओगे तुम लोग सब मैनेज कर लोगे लेकिन टाइम याद रखना दस बजे आया करता हूँ मैं और आ, सॉरी uh, चार बजे आया करूँगा मैं दस बजे आया करता था अब चार बजे आया करूँगा और ज़िद है तो जीतेंगे एग्जैक्टली exactly. <laughs> जिस सवाल का जो डिस्कशन है ना वो इतना ज़्यादा कुछ सिखाएगा आपको इतना ज़्यादा कुछ सिखाएगा कि आपको लगे कि हाँ यार मतलब कि ऐसे मतलब कि पेचीदा सवाल भी किया जा सकता है मतलब डुएबल सवाल इसको बनाया जा सकता है अपने हम लोग बना सकते हैं इस तरह के सवालों को भी डुएबल कर सकते हैं ठीक है सो so, मैं एक बार क्या कर रहा हूँ इस सवाल को मैं हिंदी वाले वर्जन को हटा रहा हूँ और सवाल को मैं डिस्कस करना शुरू कर रहा हूँ ठीक है चलिए सो so, uh, सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं सवाल में कहा गया है कि भाई छः बॉक्स हैं कितने बॉक्स है? में अपने आप को हाइड ही रखता हूँ बिकॉज हो सकता है मुझे स्पेस की आवश्यकता पड़े तो मैं फिलहाल अपने आप को हाइड रखा हूँ और आपको बस सॉल्व करके दिखा रहा हूँ सिक्स बॉक्सेस आर दिए राइट तो हम यहाँ पर छः बॉक्स ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और सवाल का थोड़ा इज्जत करते हुए सवाल को थोड़ा इज्जत देंगे हम लोग और कम से कम दो प्रोजेक्शन रखेंगे क्योंकि हो सकता है दो प्रोजेक्शन मिल जाए क्योंकि सवाल थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है तो ऑफकोर्स यहाँ पे डी ई एफ जी एच ऑर आई हमारे पास ये छे एलिमेंट हैं छे लोग हैं सॉरी बॉक्सेस हैं और बोल रहा है हर एक बॉक्स में ना अलग अलग फ्रूट्स रखे हुए हैं सिक्स बॉक्सेस D E F G H I आर केप्ट ऑन वन अब अदर एंड ईच ऑफ दिस बॉक्सेस कंटेन्स डिफरेंट फ्रूट्स लाइक कोपा बनाना ब्लाबलाबला -ब्ला, जो भी नाम रखे गए हैं छे फ्रूट्स दिए गए हैं बट नॉट महजल इन द सेम ऑर्डर पहला ही क्लू जो है वो ऐसा कह रहा है कि आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहा है पहला क्लू ठीक है पहला क्लू ठीक है सो so, uh, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपका uh, एक वेरिएबल ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे, और दूसरा वेरिएबल के लिए यहाँ पे जगह है ठीक है सो so, हमें फ्रूट्स यहाँ पे रखने हैं और यू कैन से सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ मैं बॉक्स को पहले ड्रॉ कर दिया सॉरी ये सिक्स बॉक्सेस हमें प्लॉट करने हैं और इसके लिए मैं दो वेरिएबल्स ड्रा कर रहा हूँ हाँ uh, मैं कॉमेंट्स में आपके बिजी था सॉरी ठीक है सो so, हम किसी को फिक्स नहीं करने वाला हैं बिकॉज़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बॉक्स बॉक्स बेस पजल राइट सो वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ एनी हम लोग यहाँ पर uh, दो प्रोजेक्शन लेके चलेंगे एक हमारा प्रोजेक्शन ये हो गया मान लो ये फर्स्ट प्रोजेक्शन है और ये सेकेंड प्रोजेक्शन है आवश्यकता पड़ेगी दोनों प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हम बॉक्स के नाम लिखेंगे और यहाँ पे हम फ्रूट्स लिख रहे होंगे ठीक है यहाँ पे हमारे बॉक्स का नाम रहेगा और यहाँ फ्रूट्स रहेगा ठीक है बस इतना ध्यान रखिएगा हम दो प्रतिशत इसलिए ले रहे हैं बिकॉज सेफ साइड रही चीज आगे बढ़ते हैं बोल रहा है बॉक्स बॉक्स बनाना में क्या नहीं रहेगा भाई बनाना नहीं रहेगा ठीक है बॉक्स बॉक्स विच कंटेन्स ग्रेप बस बट नॉट ने बट नॉट इमीडिएटली बिलो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉक्स जो पाइनएपल कंटेन कर, uh, करता है वो ग्रेप्स के नीचे हुआ कहीं ना कहीं दैट मीनस कि जहां भी ग्रेप्स है उसके कहीं ना कहीं नीचे में कहीं ना कहीं ऐसे करके कहीं नीचे में कौन है पाइनएप्पल है लेकिन इतना जरूर क्लियर कर रहा है वो कि भाई सब तुरंत नीचे नहीं है वो वो तुरंत नीचे नहीं है बस ग्रेप्स के नीचे कहीं पे है लेकिन तुरंत नीचे नहीं है ठीक है अच्छी बात है बॉक्स विच कंटेन्स ग्रेप्स इज इमेटली अब एच ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई uh, जो ग्रेप्स रखता है वो एच के ठीक ऊपर ग्रेप्स है मतलब इस ग्लू का हमारे पास अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है हमारे प्लॉट पर आके ठीक है अब देखो एक बात समझो होता क्या मैं आपको थोड़ा साइकोलॉजी भी डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट साइकोलॉजी व्हेन दे आर राइटिंग द एग्जामिनेशन वट सिनेरियो जैसे इस तरह के सवाल को मान लो सॉल्व कर रहे हैं प्री नहीं मेंस में सॉल्व कर रहे हैं मान लो मेंस के एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं फिर भी बच्चा ना अटक जाता है उनको लगता है यार क्या चल रहा है मतलब मैंने इतने सारे क्लू पढ़ लिए इतने सारे आधार सेंटेंस तो पढ़ चुका मैं सवाल का और मेरा पूरा प्लॉट जो है ना खाली है ये साइकोलॉजी बच्चे को बर्बाद कर देता है उसको लगता है कि मैं आधा यहां से लेकर मैं यहां तक पढ़ चुका हूँ और किया क्या मैंने मेरा प्लॉट पर एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं है और ऐसा सिचुएशन जब क्रिएट होगा तो जाहिर सी बात है डर लगेगा और कॉन्फिडेंस आपका लूज होगा ठीक है बस मेरा ये कहना है कि प्लीज कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिएगा आप जो काम कर रहे हैं फिलहाल इस तरह के जो काम कर रहे हैं आप ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका अभी फिलहाल प्लॉट पे कोई नाम नहीं हो रहा है लेकिन ऑफ कोर्स काम बहुत इंपॉर्टेंट है बोल रहा है कि भाई बॉक्स डी इज बॉक्स अब कंटेन्स बनाना और बॉक्स डी जो है वो किसके ऊपर है बनाना के जस्ट ऊपर है बात समझिएगा बॉक्स डी इज इमीडिएटली अब द बॉक्स विच कंटेन्स बनाना बॉक्स विच कंटेन्स एप्पल इज इमीडिएटली अब द बॉक्स विच कंटेन्स मैंगो दैट मीन्स की एप्पल और मैंगो ऐसे रहने वाले हैं ठीक है बॉक्स 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 कंटेन्स द द कंटेन मैंगो मोर देन बॉक्सेस आर बिलो कंटेन्स बनाना नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट जैसे ही बाउंडेशन ना जैसे ही इस तरह की संख्या का दबाव पड़ा क्लू पे आप अलर्ट हो जाइए वहां पे आपको अलर्ट हो जाना भाई साहब मोर देन टू बॉक्सेस आर बिलो द बॉक्स विच कंटेन्स बनाना मतलब कि बनाना जहां भी रखा जाएगा ना उसके नीचे न्यूनतम दो बॉक्स सॉरी दो से अधिक मतलब कम से कम तीन बॉक्स तो रहेंगे ही रहेंगे मतलब तीन बॉक्स छोड़ने का बात अगर करें हम लोग यहाँ पे तीन बॉक्स छोड़ दिया हमने तो मान लो हमने यहाँ पे बी प्लेस किया मान लेते हैं हमने क्या किया बनाना कहाँ पे ये बना तो हमने मान लो डी यहां प्लेस किया तो बनाना यहाँ आ सकता है आप कहोगे सर डी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं ना हमने बोला बिल्कुल करो यार बनाना यहाँ पे आ जाएगा लेकिन क्या इसके नीचे हम डी को प्लेस कर सकते हैं क्या अब क्योंकि इसके नीचे नहीं कर सकते रीजन क्या है यहाँ पे बिकॉज बनाना के नीचे हमारे पास

बनाना के जस्ट नीचे भी एच कैंसिल आउट हो जाएगा बनाना के जस्ट नीचे भी एच कैंसिल आउट क्योंकि भाई यहां पे भी अगर एच रहेगा तो जस्ट ऊपर तो बनाना रखना पड़ेगा मैं दट मीस यहाँ भी कैंसिल आउट है आगे बोलता एफ बॉक्स एफ इज इमेटली बिलो बॉक्स जी बॉक्स एफ जो है ना वो जी के ठीक नीचे है बट नॉट बिलो द बॉक्स विच कंटेंट गुआबा लेकिन ये दोनों जो है यह बट किसके लिए होगा यहां पर बट हो गया किसके लिए फर्स्ट एडमिन दैट मीनस एफ जो है ना वो ग्वाबा के नीचे नहीं है ठीक है बट नॉट नॉट बिलो द बॉक्स विच कंटेन्स गुआहा मतलब गुआभा से कहीं ना कहीं ऊपर रहने वाला है ये इतना इंडिकेट कर दिए दी, छोड़ दीजिए इसे आप देर आर टू बॉक्स बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन्स बनाना एंड आई बनाना और आई के बीच में कितने बॉक्सेस हैं दो बॉक्सेस हैं दैट हमारे पास कनेक्शन मिल गया बनाना यहां पर ऊपर तो जा नहीं सकते यहां पे हमें आई रखना पड़ेगा यहां बनाना है दैट ऊपर जा नहीं सकते मतलब आई यहां रखना पड़ेगा बात समझिएगा हमारे पास एच का जगह कौन सा बन रहा है कहां पे हम एच प्लेस कर सकते हैं इन सेकंड प्रोजेक्शन वी कैन से दैट वी हैव ओनली वन प्लेस टू थिंक अबाउट दिस एच एच विल बी कमिंग हियर एंड अगर एच यहाँ पे आएगा तो वी आर बाउंड टू थिंक अबाउट ग्रेप्स हियर समझिएगा बहुत आराम से बहुत सहूलियत से मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड ये मेंस का सवाल है बता रहा हूं मैं दिस क्वेश्चन इज फॉर मेंस मतलब स्टार मार्क लगा दीजिएगा बेहतरीन सवाल लाजवाब सवाल ललनटाप सवाल है भाई सब

अभी ठीक है ठीक है तुम्हारे पास एच और ग्रेप्स वाला कंडीशन हमारे पास दो दो हो सकता है हम लेके चल सकते हैं उस ग्रेप्स को इसने एक बात लेकिन कहा देखो ना यहाँ पे कुछ बोला था उसने ग्रेप्स के नीचे पाइनएपल हाँ ठीक है ठीक है डन है देखो अब देखो मसला क्या फंसेगा एच यहाँ पे नहीं हो पाएगा एच यहाँ पे कैंसिल आउट क्यों हो जाएगा और या फिर एच यहाँ भी कैंसिल आउट क्यों हो जाएगा फर्स्ट सेकंड पोजीशन क्यों कैंसिल आउट हो जाएगा रीजन क्या है यहाँ पे एच यहाँ पे एच को कैंसिल आउट होने का यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे नहीं सेकंड चलेगा अभी सेकंड में ग्रेप्स यहाँ पे है बिकॉज पाइनेपल तब यहाँ पे लाना पड़ेगा हमें ये मैंने कैसे किया पता है आपको मैंने पाइनेपल यहां पे कैसे फिक्स कर दिया और हम यहां पे कैंसल आउट कैसे कर रहे हैं एज को बिकॉज ने क्लू कहा था कि ग्रेप्स के ना कुछ जगह छोड़ने के बाद पाइनेपल आएगा ग्रेप्स के तुरंत बाद नहीं आएगा उसने मन, मना किया था नॉट नॉट इमीडिएटली बिलो बिलो बोला था कि भाई द बॉक्स जो बना पाइनएपल uh, रखता है uh, वो कहाँ किसके नीचे है वो ग्रेप्स uh, के नीचे लेकिन तुरंत नीचे नहीं मना कर दिया उसे दैट मेक सेंस कि यहाँ पे हम एच को नहीं सोच सकते अब नाउ वी के नॉट थिंक अबाउट दिस एच ईयर गेम ओवर हो गया सवाल का इन दोनों प्रोजेक्शन में हमारे पास एच का रियल स्पेस मिल चुका है कि हमारा एच कहाँ पर होगा उसके हिसाब से पाइनएप्पल भी सोच सकते हैं हम लोग एच यहाँ पे आएगा तो हमारे पास बना ग्रेप्स यहाँ पर आ जाएगा आ रही है हमारा यहाँ वाला एच भी कैंसिल आउट हुआ क्यों भाई बिकॉज एच यहाँ तो यहाँ पे हमारा आएगा ग्रेप्स ग्रेप्स के जस्ट नीचे पाइन हो नहीं सकता बिकॉज नेबर नहीं है उसका वो मतलब वो जस्ट नीचे नहीं बैठ रहा है उसका ठीक चलिए अच्छी बात है अच्छा चल रहा है सवाल बहुत इजीली मूव कर रहे हैं हम लोग लेके और सस्टेनेबल सवाल है अब देखो जी और एफ लगातार बैठने वाले हैं अब सेकंड प्रोजेक्शन की बात करें हम तो जी और यहीं पे होगा एफ यहीं पे होगा इन फर्स्ट प्रोजेक्शन में बात करेंगे तो हम जी यहीं पे होगा और एफ यहीं पे होगा बिकॉज इन दोनों को लगातार ही रखना है ठीक है जी और एफ के बाद जी और एफ जो है लगातार होने वाले हैं आगे बढ़ते हैं हमारे पास एक एक एलिमेंट बचा हुआ है जी ई जी ई एफ दैट मींस ई बचा हुआ है हमारा ई यहाँ प्लॉट पे आ जाएगा यहाँ पे ई यहाँ प्लॉट पे आ जाएगा अब देखते हैं हमारे पास जो बॉक्स हैं बॉक्स हमारे अरेंज हो चुके हैं नाउ वी टू थिंक अबाउट द फ्रूट्स हमें फ्रूट्स को अरेंज करना है यहाँ पे उसने बोला था कि जी के जस्ट नीचे हमारे पास बनाना है डन हो चुका है एच के जस्ट ऊपर पर ग्रेप्स हो चुका है पाइन अरेंज करना है एप्पल मैंगो साथ में होगा एप्पल मैंगो अगर साथ में होगा तो वी कैन थिंक अबाउट द सेकंड प्रोजेक्शन एप्पल यहाँ पे हो गया और मैंगो यहाँ पे हो गया और एप्पल मैंगो यहाँ होने के बाद ग्वाभा यहाँ पे हो गया और ग्वाभा जो होगा उससे आपका बोला है ऊपर ही रहेगा जी और एफ वहां पर जी आए एफ ऊपर ही है मतलब सस्टेन कर रहा है सब कुछ सस्टेन कर रहा है सेकंड प्रोजेक्शन में फर्स्ट में क्या नहीं कर रहा है फर्स्ट में क्या गलतियां होने वाली हैं तो मैं कहूंगा देखो फर्स्ट में गलतियां क्या होने वाली हैं एप्पल और मैंगो को लेकर तनाव रहेगा भाई साहब एप्पल मैंगो कहां रख सकते हैं तो ऑफकोर्स हम यहां भी पाइनएपल यहीं लेके आना पड़ेगा हमें पाइनएपल यहीं लेके आएंगे बिकॉज अगर हम पाइनएपल कहीं भी आ, इस इसका ग्रेप्स के तुरंत नीचे रख नहीं सकते या तो पाइन एपल यहां होगा या तो यहां होगा यहां रखेंगे तो हमारे पास एप्पल मैंगो दो लगातार रखने का जगह नहीं होगा दैट मीन पाइनएपल यहां पर नाउ वी आर बाउंड टू थिंक अबाउट एप्पल यहां पर और वी आर बाउंड टू थिंक अबाउट मैंगो यहां पर यहां पर आगे ग्वाहा के लिए हम यहां पर आ जाएंगे गुवाहा बोला था भाई एफ से ऊपर एफ से G और F से नीचे ही रहेगा जीओरएफ से खतरनाक सवाल को भी देखे ना परीक्षा में तो सोचे कि भाई कुछ भी हो जाए सवाल तो हमसे छूटेगा नहीं सवाल सॉल्व करके ही आएंगे कुछ भी हो जाए मतलब डुएबल सवाल है हमारे कंट्रोल से बाहर सवाल नहीं है इस बात की पुष्टि स्टूडेंट पहले ही करते ठीक है बोलने का जल्दी बोलो जल्दी बोलो एक बार फटाक जल्दी बोलो मैं एक बार प्रकट होकर तुम्हें बोलता हूँ सब ठीक है ना एक बार जल्दी बोलो सब कुछ ठीक है सब समझ में आ रहा है बात समझ में आ रहा है क्या अगर समझ में आ रहा है और मजा आ रहा है लग रहा है कि सवाल जबरदस्त है तो एक काम करो ना एक बार लाइक कर दो अपने हिसाब से है ना मतलब अपना प्रसाद चढ़ा दो तो एक बार कि साहब हाँ भाई लाइक तो बनता है मतलब यहाँ पे लाइक क्या होता है मतलब लाइक ये होता है मुझे लगता है कि हाँ यार सब कुछ सही सही सीख रहे हो ठीक है सो मींस के लिहाज से एक मॉडरेट लेवल का सवाल है डुएबल सवाल है आप कर सकते हैं और यहां से आप मार्क्स निकाल सकते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं एक और सवाल लाजवाब सवाल लेता हूँ एक और ऐसे ही सवाल जो परेशान कर सकता है आपको एक और आ, परेशानी से गुजरिए ना जितने बार परेशानी से गुजरीगा उतना मजा आएगा आपको तो अपने आप को परेशानियों से गुजारिए और वो बहुत जरूरी है क्योंकि आप इस वक्त में हमारे सपोर्ट में अगर परेशानी से गुजरना नहीं सीख पाएंगे आप तो अकेले में तो बहुत तकलीफ होने वाली है सो जस्ट टेक माई सपोर्ट मैं आपके लिए सिर्फ सपोर्ट हूं क्या हूं मैं सपोर्ट हूं आपके लिए उस सपोर्ट का फायदा उठाइए और उस सपोर्ट का फायदा उठाइए स्ट्रांग होइए और कुछ नहीं करना आपको स्ट्रांग होना है बस मूव करता हूँ मैं अगले सवाल की तरफ ठीक है सो आई जस्ट टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल फिर से आपको कर दिया, करना है और उसे सॉल्व करके आपको आ, मुझे आंसर बताना है बिल्कुल देखो काफी बड़ा सवाल है मुझे सब कुछ खाली करना पड़ा पूरा मैंने स्पेस खर्च किया है यहाँ पे बॉक्स उस पूरे स्लाइड का, का बोर्ड का पूरा एक एक कोना में छोड़ छोड़ा नहीं हूँ तो आपको करना क्या है आपको बस यहाँ पर जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करना है शुभम कुमार कह रहे हैं लेवल हार्ड है सवाल का बिल्कुल हार्ड लेवल है किसने कहा तो ऑफकोर्स बॉक्स बेस का सेकेंड डे है बात ये भी समझिए ना ये बॉक्स बेस का सेकंड डे है तो ऑफकोर्स लेवल हार्ड रहेगा इसका हमने बेसिक क्लास ऑलरेडी करा दिया है मैंने कल के क्लास में कल दस बजे सुबह मैंने कराया था इसका बेसिक क्लास आज उसका लेवल थोड़ा बढ़ा दिया हूँ मैं बेहतरीन सवाल लाजवाब सवाल है और ये सवाल एक लेवल और ऊपर चढ़ के है जल्दी से ट्राई कीजिए सवाल को प्लीज़ मनोहर सिंह क्लास कंटिन्यू रहेगी मैं आप सभी uh, का ध्यान रख रहा हूँ मैं कोई इशू नहीं है मतलब देखो क्लास के टाइम चेंज होना ये मेरे कंट्रोल uh, में नहीं है ये बस इतना ही समझिए कि इट्स माई जॉब आई हैव टू बी देयर फॉर यू पीपल एट एनी कॉस्ट एंड एनी टाइम तो अब जो समय मेरे पास है जो समय दिया गया है मुझे वो चार बजे शाम का है और मैं चार बजे शाम में डेली मिलूँगा आपको और बेहतरीन सवाल के साथ मिलता रहूँगा जैसे मिलता रहता हूँ और ऑफ कोर्स जो बेहतरीन डिस्कशन होगा वो भी स्टडीज <laughs> मटेरियल आप मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं <laughs> गौरव पॉल कह रहे हैं सर आपके लेटेस्ट वीडियोस प्लेलिस्ट में क्यों नहीं आ रहे आ, एक बार मैं अपनी टीम को बोलता हूँ बैक एंड टीम जो हमारी है मैं उनसे बात करता हूँ क्या कर रहे हैं वो लोग मतलब कि ऑफकोर्स क्यों नहीं लगा रहे वीडियो देख लेते हैं ऑफकोर्स अटैच होना चाहिए सारे वीडियो उसमें अपलोड होने चाहिए और छोटा सा काम है वो हो जाना चाहिए बहुत लोग तो लगता है डर गए हैं बोल रहे हैं कौन बनाएगा कौन मेहनत करेगा इतना खतरनाक सवाल में इतना सब कुछ भर दिया है मास्टर पागल है ऐसा वैसा सोच रहे होंगे आप लोग ठीक है ना लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सवाल बढ़िया है तो ऑफकोर्स बढ़िया अच्छे सिखाएगा भी ऐसे जानते हैं ऐसे एक सवाल का डिसीजन पाँच सवाल पाँच बगुआ सवाल के डिसीजन के बराबर है किसी का भी जवाब नहीं आया मुझे अभी तक इस सवाल में आई हैव नॉट गॉट एनी आंसर फ्रॉम एनी पीपल सो मुझे लगता है मुझे ही सॉल्व करना चाहिए यहाँ पे। शैल रोहित भागेल एक्चुअली में मैटर ये है कि मैं थोड़ा देर समय दे देता हूँ आपको सॉल्व करने का एक बार सवाल में घुल मिल लीजिए सॉल्व नहीं कीजिए तो कम से कम घुल मिल लीजिए सवाल में सवाल क्या पूछ रहा है क्या डिमांड है सवाल का ये करना बड़ा जरूरी है ठीक है चले आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं सवाल को देखते हैं सवाल का क्या डिमांड है और कैसे पूरा करें इस डिमांड को हम लोग तो मैंने हिंदी वाला हटा दिया है और मैं खुद को भी अभी हटाया रखा हूँ कोई इशू नहीं है बोल रहा है थ्री सॉरी एट बॉक्सेस आर देयर पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू एंड स्टेक्ट वन एप अनदर एंड ईच बॉक्सेज कंटेन डिफरेंट फ्रूट्स इट इज़ लाइकली मैंगो पपाया जो भी नाम दिया गया बला 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 बहुत सारे हैं द बॉक्स एट द बॉटम इज नंबर वन इस बार बॉक्सेस को ना नंबर किया गया है दिस टाइम दे हैव नंबर्ड दो बॉक्सेस उसको नंबर किया गया दैट मीन्स कि हम लोग भी नंबर कर देते हैं फटाफट है ना बॉक्स को नंबर दिया गया दैट मीन्स कि वन टू थ्री फोर करके ऐसे कुछ बोला गया है तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट आठ बक्से हैं हमने बना दिया प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो फिर से हम लोग कहीं ना कहीं दो प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे ऑफ कोर्स इस बार फिर से हम लोग दो प्रोजेक्शन मतलब एक बार हम लेटर्स के नाम रखेंगे यहाँ पे मतलब बॉक्सेस के नाम यहाँ प्लेस करेंगे है ना और एक बार हम लोग यहाँ पे मैंगो फ्रूट जो भी फ्रूट है उसके नाम रखेंगे तो हम लोग यहाँ पर बॉक्स बॉक्स और यहाँ पे फ्रूट्स तो ये हो गया आपका बॉक्स हो गया आपका फ्रूट ये हो गया आपका बॉक्स ये हो गया आपका फ्रूट ठीक है ये आपका दो पोजिशन में लेकर चल रहा हूँ ठीक है आइए सो अगेन इफ विल ट्राई टू रीड द फर्स्ट क्लू क्लू कहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ से बनाना इज प्लेस्ड यहां पर बोला बनाना इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो एप्पल कुछ कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते है? छोड़ो ना कोई बात नहीं है एप्पल uh, के जस्ट नीचे कौन है ब ना कौन है भाई ब ना है बात समझ में आ रही है सो एप्पल का जस्ट बनाना इज प्लेस इमेटली बिलो एप्पल थ्री बॉक्सेस आर केप्ड बिटवीन क्यू एंड आर और क्यू और आर के नीचे कितने बॉक्सेस हैं क्यू एंड आर के नीचे थ्री बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड आर दैट मीन्स कि अगर क्यू ऐसे है तो आर ऐसे इसी का ऑब्लिक भी लग सकता है लेकिन यहाँ देखिए सवाल में यहाँ आगे चल के दिया हुआ है बॉक्स जैसे कि हमने क्यू और आर पढ़ा तो हमारा ध्यान तुरंत आना चाहिए क्यू के बारे में और कहाँ कहा गया तो भाई यहाँ पे क्यू के बारे में कुछ कहा गया है बॉक्स क्यू इज़ केप्ट एट द टॉप क्यू जो है ना टॉप पर रखा गया दैट मींस ऑफकोर्स क्यू जो रहेगा ऊपर ही रहेगा तो ये तो कन्फर्म है कि हम हर एक जगह पोजिशन नंबर फर्स्ट में भी क्यू यहाँ के और यहाँ पर हम आर प्लेस कर सकते हैं इन सेकंड पोजिशन ऑलो वी कैन थिंक अबाउट क्यू हेयर एंड आर हेयर ठीक है इतना तो कर ही सकते हैं बिकॉज क्यू का फ्लिप लेने की जरूरत नहीं है तो हम सेकंड प्रोजेक्शन के बारे में सोचना भी जरूरी नहीं है फिलहाल अभी लेकिन चलिए सोच लेते हैं हम तो लोग कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं स्ट्रॉबेरीज केप्ट इन द बॉक्स डब्लू मतलब जब जो डब्लू uh, है डब्लू बॉक्स में कौन है स्ट्रॉबेरी है ठीक है ये कंफर्म रखेंगे हम लोग देर आर देर आर टू बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन पपाया एंड मैंगो बोल रहा है पपाया uh, और मैंगो के बीच सॉरी पपाया और मैंगो के बीच कितना गैप है दो का गैप है ऐसे पपाया और मैंगो के बीच दो का गैप है मैंगो इज केप्ट एब पपाया ओके मैंगो इज केप्ट एब पपाया मतलब हो गया भाई पपाया यहाँ रहेगा और मतलब पपाया को नीचे लेके आ जाएंगे और मैंगो को ऊपर ये रहा मैंगो और ये रहा पपाया ठीक है ये सिचुएशन है सो एंड बॉक्स टी कंटेन्स ग्रिप्स और टी में कौन है भैया ग्रेप्स है इस इन सारी बातों को लिखते चलिए इस बगल बगल में कोई सुनी है तो हलक हल्का हल्का डेटा कनेक्ट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए बनाना इज केप्ट अबव ऑरेंज बनाना जो है वो ऊपर है ऑरेंज से दैट मीनस कि जो एप्पल बनाना है उसके कहीं ना नीचे कहीं ना कहीं ऑरेंज आ जा जाएगा तो अपने इंडिकेट कर लीजिए यहाँ पे ऐसे करके फिर मुझे दिख रहा है वो आपको भी दिख जाएगा मतलब आप अगर साथ में लिख रहे होंगे सॉल्व कर रहे होंगे तो मतलब करना क्या है जो एप्पल बनाना जहाँ लिखा ना हम लोगों ने उसी के नीचे जहाँ पे आप लिखा होगा वहीं पर थोड़ा सा स्पेस करके डॉट डॉट करके वहीं पर ऑरेंज लिख लीजिए मतलब कि ऑरेंज जो होगा उसके नीचे कहीं ना कहीं होगा

एबव बॉक्स थ्री मतलब कि बॉक्स थ्री कौन सा है यहाँ पे इसके ऊपर जो इवन हमारे पास है वो कौन है चार है छः है और आठ है बोल रहा है कि भाई साहब जो आपका जो बॉक्स कंटेन करता है एप्पल वो या तो अब आठ पे रहेगा या छः पे या चार पे इन्हीं में से कहीं हो सकता है एप्पल इससे अधिक मतलब इससे अधिक कहीं नहीं और कहीं नहीं हो सकता मतलब ये तो कन्फर्म है यही हो सकता है कहीं ठीक है आगे बढ़ते हैं टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन्स पपाया एंड स्ट्रॉबेरी पपाया और स्ट्रॉबेरी के बीच में दो बॉक्सेस हैं फिर से दैट मीन्स कि यहाँ पे हम स्ट्रॉबेरी कर लेंगे बात समझ में आ रही है ये जो सेटअप तैयार हुआ ना आपका ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए होगा ये आपके लिए रामबाण है यहाँ पे मैंगो दो गैप पपाया दो गैप स्ट्रॉबेरी कितना स्पेस खर्च किया इसने सात ब्लॉक कितने आए पास है आठ गेम ओवर है सवाल में मैं बचाया नहीं कुछ आपको अब सवाल में सिर्फ फॉर्मेलिटी बची है आप उसको पूरा करें सवाल आपका है ठीक है देखिए सवाल को कैसे कर सकते हैं उसने बोला ना कि मैंगो जो है वो इवन नंबर पर होगा तो या तो मैंगो यहाँ पर आएगा देखिए उसने बोला ना यहाँ पर अभी द बॉक्स विच कंटेन्स एप्पल सॉरी एप्पल इज प्लेस्ड ऑन इवन नंबर पोजीशन अबव थ्री बॉक्सेस ठीक है तो मतलब हम मैंगो को कहाँ प्लेस कर सकते हैं तो वी कैन प्लेस मैंगो हेयर अगर मान लो हम मैंगो को यहाँ लेके चलते हैं तो दो जगह छोड़ के हम यहाँ पे क्या लेके आएंगे पपाया और दो जगह छोड़ के यहाँ पे क्या लेके आएंगे स्ट्रॉबेरी दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि मैंगो को हम यहाँ रख लें मैंगो के बारे में नहीं बोला है उसने ऐसा दो जगह छोड़ के हम यहाँ पे प्लेस करेंगे आपका पपाया और यहाँ पे प्लेस करेंगे स्ट्रॉबेरी बस सवाल में खत्म हो गया स्ट्रॉबेरी यहाँ पे डब्लू यहाँ पे डब्लू यहाँ पर अब सवाल में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है एप्पल और मैंगो एप्पल और बनाना आपके साथ में रहेगा उसके नीचे ऑरेंज रखना है दैट मीनस की अब जाहिर सी बात है हम एप्पल और बनाना यहाँ तो नहीं प्लेस कर सकते एप्पल बनाना बिकॉज एप्पल बनाना यहाँ प्लेस करेंगे तो उसके नीचे ऑरेंज कहाँ रख पाएंगे दैट मीस इसका मतलब है कि एप्पल बनाना साथ में रहेगा तो एप्पल बनाना यहीं पर रहेगा एप्पल यहाँ बनाना यहाँ और उसके नीचे ऑरेंज कहीं भी रहेगा दैट मीस हो सकता है कि आपका थर्ड पे ऑरेंज रहे या फिर सेकंड पे भी हो सकता है अभी उसको छोड़ देते हैं फिलहाल इफ विल टॉक अबाउट द सेम थिंग हियर तो ऑफकोर्स इसमें हमारे पास uh, एप्पल और बनाना को लेकर हम चौथे तीसरे पे भी सोच सकते हैं और छठ सातवें और छठे पर भी सोच सकते हैं तब तक तो एक क्लू याद आएगा कि यार उसने कुछ बोला था किसके बारे में एप्पल के बारे में कि एप्पल जो है ना इवन नंबर पर रहेगा सो इफ इल विल पुट दिस एप्पल हेयर हम इससे ऊपर रखेंगे तो एप्पल यहाँ भी तो हो सकता है हम एप्पल यहाँ प्लेस कर सकते हैं हम यहाँ पे एप्पल अभी इस वाले में एप्पल और ये नहीं रिप्लेस कर सकते बिकॉज एप्पल यहाँ प्लेस करेंगे तो एप्पल जो है ऑर्ड पर आ जाएगा उसने बोला था कि नहीं एप्पल जो का इवेंट पर होगा तो यहां पे हमारे पास एप्पल कैंसिल आउट है सो नाउ वी कैन थिंक अबाउट एप्पल वेयर इफ विल ट्राई टू थिंक अबाउट द एप्पल वी नाउ वी कैन वी आर बाउंड टू थिंक अबाउट एप्पल इन द फर्स्ट फर्स हेयर ऑन द फोर्थ एज अ फोर्थ बॉक्स और यू कैन से अगर एप्पल यहां पे है तो बनाना यहां पे है और अगर बनाना यहां पे है तो नाउ अब अगर एप्पल और बनाना के नीचे ऑरेंज कहीं ना कहीं है तो ऑरेंज को वी आर बाउंड टू थिंक अबाउट हेयर बात समझ में आ रही है तो गेम अब आप, आपको सवाल का गेम समझ में आ गया होगा मतलब सवाल जो है वो बहुत ही बेहतरीन बहुत ही लाजवाब सवाल और टी बोला है कि टी क्या है ग्रेप्स है तो टी ग्रेप्स कहाँ होगा इस बारे में हम और भी पड़ताल कर लेंगे फिलहाल आगे पढ़ते हैं बहुत सारे क्लू बचे हुए हैं वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बनाना एंड यू बोला बनाना और यू के बीच में एक बॉक्स है तो बनाना यहाँ पर है तो यू ऑरेंज भी हो सकता है ऊपर भी जा सकता है पपाया भी हो सकता है सिमिलरली यहाँ पर भी बात करेंगे बनाना के बारे में तो बनाना से एक बार मैंगो यू हो सकता है या फिर बनाने के बाद एक गैप छोड़ के थर्ड पर भी यू आ सकता है ठीक है सो वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बनाना एंड यू दैट कंटेन्स ऑरेंज अब उसने बोला कि नहीं भाई उसने वो ऑरेंज ही कैप कैरी करता है तो जाहिर सी बात है बनाना यहां पे है तो उसके हिसाब से यू यहां प्लेस कर देंगे ऑरेंज हो जाएगा बनाना के हिसाब से यू यहां प्लेस करेंगे कर और यहां पे क्या हो जाएगा ऑरेंज हो जाएगा ठीक है राइट सो आई होप वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन बॉक्स द बॉक्स विच कंटेन्स ग्रेप्स इज इमेटली बिलो द ऑरेंज बॉक्स अब यहां पे गेम फंस गया यहाँ पे गेम फंस गया बिकॉज ऑरेंज के नीचे हमारे पास और ग्रेप्स रखने का जगह ही नहीं पहला कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे ऑरेंज के नीचे ग्रेप्स रखने का जगह है ग्रेप्स यहाँ पे डन हो गया एक बच गया आपका फेज वो यहाँ प्लेस कर देंगे हमारे पास सारे फ्रूट्स डन हो चुके हैं एलिमेंट्स को प्लेस कीजिए यहाँ सर निकाल के निकल लीजिए और क्या बात खत्म समझ रहे हैं मतलब लाजवाब मतलब मैं बस ये चाहता हूँ कि जब मेरा स्टूडेंट सवाल पे जाए तो वो कंट्रोल ना छोड़े मतलब उसको लगे कि हाँ यार सवाल में तो करके ही आना है कुछ बचा कहाँ है सवाल में सवाल कुछ हो ही नहीं सकता कि सवाल छूट जाए मुझसे बस ये वाली बात है ये वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है उसने बोला कि नाउ देर इज वन बॉक्स बिटवीन वी एंड एस वी और एस के बीच में एक बॉक्स है टी ग्रेप से तो यहाँ पे टी भर दीजिए वी और एस के बीच में एक 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 गैप है बोला है तो भाई वी कहाँ होगा भाई तो एस मैंगो हो नहीं सकता यहाँ पे देखिए एस मैंगो कैंसिल आउट है दैट मीनस हम यहाँ पे वी रखेंगे यहाँ पे एस रखेंगे यहाँ पी रखेंगे सोल्यूशन डन है अब ये सब जो कैंसिल आउट करने का कितना बड़ा फायदा है अभी आप वी और एस को लेकर कन्फ्यूज होते कि एस ऊपर की वी नीचे कि वी ऊपर की एस नीचे आपने यहां देखा कि मैंगो के सामने एस कैंसिल आउट है मतलब जहां मैंगो है वहां तो एस हो नहीं सकता और वी और एस के बीच में एक गैप पता है मतलब कि मैंगो के सामने वी को रखेंगे और एस एस कहाँ रखेंगे बनाना के सामने रखेंगे पी बीच में आ जाएगा सोल्यूशन आपके सामने है अब मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है पांच बजे से ठीक पांच बजे से मेरी क्लास है पांच चार बजकर उनसठ मिनट हो रहा है आज कुछ टेक्निकल इशू हुआ है मुझे लेट भी हो गया था आने में कोई बात नहीं है लेकिन हम अभी यहाँ से साइन ऑफ करते हैं लेकिन आपको देता हूँ एक होमवर्क एक होमवर्क क्वेश्चन देने के साथ ही मैं आपको दूंगा आपको मैं करूंगा विदा ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है एक चीज का माफी चाहूंगा मैं इसका हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाया पाए टाइम की कमी की वजह से आप इस सवाल को होमवर्क लिख लीजिए तो मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और मिलेंगे जब हम लोग सोमवार को तो इसी सवाल से चर्चा का आगाज करेंगे डिस्कशन का आगाज करेंगे और उस दिन बात कर रहे होंगे हम लोग शायद डे बेस्ड पजल पे डे या फिर आई फ्लोर जो भी करेंगे डे या फ्लोर पे बात कर रहे होंगे हम लोग ठीक है जो बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और दूसरी बात यह कि कुछ इफॉर्मेशन है जो मुझे पास करना चाहिए मैं पास कर देता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन पास करना चाहिए मुझे आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग और हिंदी में नहीं कर पाया हूँ इसलिए माफी चाहता हूं आप कर दीजिएगा खुद से ही थोड़ा समझ लीजिएगा बुझ लीजिएगा बढ़िया सवाल है काफी क्वेश्चन में बनेंगे आपको सम करके बहुत अच्छा क्लू दिया गया इसमें

आना जरूरी है मतलब कस्टम है मतलब यू आर यू के नॉट डिनाई टू कम इन दिस बैच मतलब यू के नॉट इग्नोर कमिंग इन दिस बैच सो दिस इज चैंपियन टू पॉइंट ओ लाजवाब बैच और ये आपको बैच सत्रह तारीख से क्लास स्टार्ट होगी ढाई से चार चलेगी मंडे टू आपकी आ, फ्राइडे और ये हमारे बैंक महापैक के अंदर भी दिख सकता है तो आप बैंक वहाँ पैक ले लेंगे तो उसके अंदर सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको और कुछ खास नहीं किताबें आपकी जो बेहतरीन है हमारे पास वो हैं ही वो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा और आंसर जरूर बताइएगा अब अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मुझसे बने रहने के लिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद बाय टेक केयर स्टडी वेल ब्लेसिंग संडे मनाइए थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा मुंह दीजिएगा और खुश रहिएगा और मिलते हैं सोमवार को थैंक यू सो मच बाय टेक केयर एंड वेल ब्लेसिंग सभी को हाँ रेगुलर नहीं कोशिश करना प्लीज़ बी रेगुलर बाय